हमारे वर्ग का एक व्यक्ति शानदार इतिहास लेकर के बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुंचा, आज आपके बैर की धरती में मौजूद है, जो बाबा मनोहर जी तपोस्थली है, सिद्ध बाबा की भूमि है। मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे खुशी है कि पहले मुख्यमंत्री पाड़िया जी भुजावर थे और आपके दलित पीड़ित मंत्री भी बैठते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस हमेशा किस प्रकार से आजादी के बाद से ही बल्कि पहले से जो ध्यान रखा है छत्तीसगढ़ी कौम का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अलग इतिहास है कांग्रेस का, इसका आजादी जन के अंदर ही बड़ा भूमिका रही है। महात्मा गांधी के जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान निर्माता और साथ में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, और कितने साल हो गए हैं ये आपके वैर बदावर पहला क्या था, सब पहले आप सोच सकते हैं। आज हिंदुस्तान राजस्थान प्रदेश धौलपुर जिला हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, क्या बिजली लोग समझते थे उस वक्त में, बिजली होती क्या है ये नहीं मालूम था, बिजली होती नहीं थी, 13 मेगावाट बिजली होती थी राजा महाराजाओं के अंदर, जनरेटर चलते थे वो बिजली आज क्या नहीं है। पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, सड़कों के अंदर 1 करोड़ का पेंशन दे रहे हैं बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, अपंगों को, सोच सकते हैं। 25 लाख का बीमा कर दिया मैंने इलाज का, क्रांति होगी, 25 लाख का इलाज फ्री, दवाएं फ्री, MRI, CT scan, सारे खून की जांच सब फ्री, ऑपरेशन फ्री, कैंसर का इलाज फ्री, पेटी ट्रांसप्लांट करा लो, घुटने बदला लो, कुछ भी कर लो, दवा फ्री कर दी। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, एकमात्र हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान है जहाँ पर 25 लाख का बीमा किया गया है प्रदेशवासियों का, सबका किया गया, अभी गरीब कोई भी हो। इस प्रकार से हमने एक एक फैसले किए हैं। मैंने आज श्रीरंगत गांधी आपको दी 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ लोगों का जीरो बिल आ रहा है, बिजली का बिल जीरो आने लग गया। किसानों का 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 14 लाख किसानों का बिल जीरो आता है। अन्नपूर्णा किन अलग दे रहे हैं हमको, खाद्य सामग्री का, तेले भी है, दालें भी है, शक्कर भी है, गायों का बीमा कर रहे हैं, लकड़ी को गाय मर गई 1000 रुपये दिए उन लोगों को, 500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हैं। तो सरकार ने अपनी तरफ महंगाई की राहत देने की कमी नहीं रखी आपको, और तो 7 घंटे और दी जा रही है, 10,000 रुपये हमारी बहनों को मिलेगा, चुनाव जीत भी मिलेगा, 10,000 रुपये जबकि मुखिया को मिलेगा, गौतन में गोबर खरीद की सरकार 2 रुपये किलो, गोबर खरीद के गाय जो फिरती है गलियों मोहल्लों में बंद हो जाएगी, प्रदूषण बाड़ों बंद रहेगा, पानी जारी व्यवस्था होगी, ये भी गारंटी है। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट इतने हमने स्कीम बनाई है, मैं खुद देखा रायपुर के अंदर, वहां पर उधरपुर घर जाते शाम को वापिस आते हैं और गोबर की खाद बनती है, गैस बनती है, वो काम है। बच्चों को लैपटॉप दे दो, बारी बार बच्चा जाएगा इस बार और फर्स्ट में भर्ती होते उसको, वो अपने माँ बाप कहेगा मुझे लैपटॉप दिलाओ, टैबलेट दिलाओ, 20,000 का होता है दिलाने का। हमने कहा तमाम बच्चों को, क्यों अमीर के बच्चे तो खरीद लेते हैं लैपटॉप, गरीब के बच्चा कैसे खरीदते, हमने कहा है तमाम बच्चे जो 12th में पास करके जाएंगे फर्स्ट में सबको लैपटॉप मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, ये मैंने कहा। इंग्लिश स्कूल खोलने की गारंटी थी मैंने, सुनो भाई सुनो, इंग्लिश स्कूल खोलने की गारंटी थी मैंने, इंग्लिश क्यों, बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, इंग्लिश क्या काम आने वाले, मैं भी खिलाफ था, छात्र था जब, आज मालूम पड़ा कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, सब कुछ आ गया, मोबाइल फोन आ गए, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे अंग्रेजी, दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका जाएंगे पढ़ने के लिए। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बच्चे थे, छात्र थे, बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने भेजा था उनको लंदन पढ़ने के लिए, आज वही भीमराव
अम्बेडकर बाबा साहब बन गए, संविधान निर्माता बन गए देश के, खाली उनको एक व्यक्ति ने भेज दिया हम पढ़ने के लिए बाहर गए। मैं 500 बच्चों को भेज रहा हूँ दुनिया के मुल्कों के अंदर पढ़ने के लिए, सही पढ़ने के लिए, जो बच्चा जा सके ये व्यवस्था मैंने करी है। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, तीन हाईस्कूल चल रही है, चुनाव जीतने के बाद और स्कूल जितनी मांगोगे इतनी स्कूलें मिलेगी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पढ़ पाओगे आप लोग, ये बिगड़ जाओ। 15 लाख का बीमा कर रहे हैं, बहुत कम पैसा मिलता है, बाढ़ आ गई है, तूफान आ गया, बिजली गिर गई है, ओलावृष्टि हो गई है। मैंने कहा 15 लाख तक का बीमा करके 15 लाख तक इमदाद मिल पाए ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और लास्ट में सादा वादा कर रहे हैं ओपीएस का, कर्मचारी ओपीएस से बहुत खुश थे, उनके 35-36 साल की सर्विस के बाद में बुढ़ापे के अंदर पेंशन नहीं मिले, आप सोचिए क्या पेंशन दी उसको। हमने हिम्मत करके ओपीएस लागू किया, आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ कांग्रेस राज्यों में खड़गे साहब का आशीर्वाद, हिमाचल के अंदर हो गया, राजस्थान के बाद में, कर्नाटक में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, कोई बीजेपी राज्य में ओपीएस लागू नहीं है। अभी मैनिफेस्टो निकाला बीजेपी ने, एक शब्द नहीं लिखा उसके अंदर ओपीएस के बारे में। हम लोग पशुपालन 2 रुपए देने से बोनस के दूध के बंद कर दिया बीजेपी ने, लास्ट टाइम बापिन ने 5 रुपए देने शुरू किया, कोई जिक्र नहीं इनके मैनिफेस्टो का। आप पूछ सकते हो इनकी कतरी में कहीं अंतर है, इनका मैनिफेस्टो बिल्कुल आप समझ लीजिए झूठ का पुलिंदा है। हमारी स्कीमों को लैंग्वेज बदल बदल के लिखा गया और कुछ भी नहीं किया गया, होमवर्क बहुत कम किया गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आपको अपील करूंगा, खड़गे साहब को बोलना है, हम बहुत लेट हो गए, आगे 3-3 मीटिंग और है, तो मैं चाहूंगा खड़गे साहब का सुने। मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा, जो वादे हमने किए हैं, अच्छे कानून बनाए हम लोगों ने, किसानों के लिए भी अच्छे कानून बनाए हमने, किसानों के लिए कोई जमीन कुड़क नहीं हो पाएगी उनकी भविष्य के अंदर, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया हम लोगों ने, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है वो, गिग वर्कर का कानून बना दिया, ऊपर ओला वाला आए हैं, जोमेटो वाला आए हैं, इनके जो काम करने वाले लोग हैं इनसिक्योरिटी है, उनके लिए कानून बना दिया। इस प्रकार से शानदार तो कानून बना है, शानदार स्कीमें लेकर आए, स्कीमें घर घर इम्प्लीमेंट हो गई है, लोगों में विश्वास जम गया है कि सरकार और खड़गे साहब ने क्या रखा है। खड़गे साहब ने राहुल गांधी ने वादा करो मत, करो निभाओ उसको, उसी सिद्धांत हम चल रहे हैं। इसीलिए कहना चाहूंगा आपको कि आज हमने तय किया है कि ईआरटीपी योजना आपकी 14,000 करोड़ रुपए में देखे काम करा रहा हूं, प्रधानमंत्री जी बोल के गए कि जयपुर मजनर में राज्य परियोजना बनाएंगे, जिससे जल्दी आपके यहाँ पीने के पानी भी आए और सीधे की सुविधा है किसानों को 2 लाख हेक्टेयर में, वो काम उन्होंने बंद कर रखा है, चालू कर नहीं रहे हैं। 5 साल में बोल रहा हूँ, 5 साल 53 बांध मैंने जोड़ दिया अभी, बाकी बच गए थे उनको। कहने का मतलब ये है केंद्र सरकार भेदभाव कर रही राजस्थान के साथ, चुनाव आए हैं तो प्रधानमंत्री भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, झूठे वादे करेंगे, भड़काएंगे लोगों को, तो हमारी स्कीमों के बारे में एक चर्चा तक नहीं करते, हमारी उपलब्धि के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। आज हर घर के अंदर ये बात है सरकार ने अच्छा काम किया है, ये स्थिति बन गई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कृपा करके आपके बहादुर सिंह कोहली पहले 2 बार आपने एमपी बना दिया, क्या काम किया मैंने 2 बार एमएलए बना दिया, कोई काम किए? ये भजनलाल आपका अपना है, पीडब्ल्यू मंत्री बना किसे कहते हैं? आजादी के बाद पहली बार दलित वर्ग के 4 मंत्री चारों इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं, बता दीजिए आप लोग, ममता भूपेश है, भजनलाल जी है, जूनी साहब है हमारे, आप देख लीजिए गोविंद मेघवाल है, 4 कैबिनेट मंत्री आजादी के बाद पहली बार बने हमारे वक्त में, सब खड़गे साहब का राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है। जो सबका हुआ लंबी बात नहीं कहता, वहां मैं आपको कहना चाहूंगा आप लोग ईआरटीपी को लेकर मुद्दा बनाओ, हवा उठनी चाहिए, ईआरटीपी जल्दी बनेगी उसका आपको फायदा है। तो मैं आपके यही वचन देना चाहता हूँ, 7 गारंटी कार्ड दिए गए आपको, गारंटी कार्ड दिए,
ये आपके सामने खड़े हैं बैठे हुए हैं, कुछ लोगों का और भी होगा, कुछ लोगों का है, ये अपने पास रखो, इसमें आठ इस पे टेलीफोन नंबर लिखा हुआ आपने, टेलीफोन है भाई, ए शांत रहो, टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है 8587070707। ये आप अगर कॉल करो तो मिस कॉल दोगे, इमीडिएटली आपका पंजीकरण हो जाएगा, टेलीफोन आएगा, आप सुनेंगे उसको, एसएमएस आएगा, अभी बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कृपा करके आप लोग पंजीकरण करवाए, सरकार बनते ही आपको सातों स्कीमों के लाभ देने लगेगा, ये वादा करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। आपके जिले में मेयर से धनराज जी उम्मीदवार है, नदवी से योगी नवाना है, बैनर से अमर सिंह जाटव है, बरपुर कुमार गर्ग है, बीच से विश्वेंद्र सिंह जी है, कामा से जयदा खान है, नगर निवासी अली है, सबको जिताओ, ये मेरी आपसे अपील है। ये बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।